तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे हे नबी तू बुलाता है तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ जिसकी बिगड़ी आए नबी तुम अंदर जाओ चाहे तू बनाता तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली तो झोली मेरी या मोहम्मद जब तलक तू बना देना दिल की दर्ज तेरे न जाए सवाली भर तो झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर तो झोली रंग के बंदे में हाथ से
वाले सुनेंगे तो इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। आपने देखा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी था तो एक रईसा गई गंदे शकर की बारगाह में कि हुजूर मेरे बच्ची की शादी है और घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, लिहाजा आप मेरी मदद करें। अगर आप होते तो देखते कि जाहिरन जो फकीर है वो सुना ही है, खुदरा के मुताबिक भी सुना है और ईद उल फित्र की फजीलत के मुताबिक बारहा आपने सुना। लेकिन खलीफा सानी हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तरावी जो आप पढ़ रहे हैं
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आवाज हो और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। न तेरा है न मेरा है। समस्त जिले वासियों को ईद एवं महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये एक अजीब संयोग है कि महाराणा प्रताप जयंती और ईद दोनों ही पावन पर्व आज एक ही दिन आए हैं। इस अवसर पर मैं उदयपुर ज़िले के सभी निवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद जय भारत। देखिए, मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज जयंती है और ईद ईद उल फितर का भी बहुत बड़ा त्यौहार आज इस अवसर पर है। तो मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और शांति से जो सारी व्यवस्थाएं दी समाज ने दी है उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो रमज़ान शरीफ के बाद जो ईद मुबारक की जो नमाज अदा की है, एक पूरा मेवाड़ का भाईचारे का एक इतिहास आज की तारीख के अंदर जो नज़र आया, जो मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप जयंती और ईद की नमाज जिस तरीके से जो अदा की गई और जिन लोगों ने मुस्लिम समाज और हिंदू समाज ने दोनों ने मिल के एक भाईचारे का मेवाड़ का एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर भेजा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब सिंह जी कटारा साहब, जिन्होंने जिस तरीके से एक व्यवस्था और एक जो व्यवस्था करके इस कायम करके पूरा इंतजामिया कमेटी और जैसे प्रशासन एसपी साहब कलेक्टर साहब जिन्होंने ये पूरा एक व्यवस्था को जो संभाला है, वाकई में एक तारीफ़ लायक है। मैं एक राजस्थान सरकार से इस ईद के मौके के ऊपर छोटी सी एक मांग रखना चाहता हूँ। जो सारे मुसलमान, चाहे वो उदयपुर के हैं, चाहे मेवाड़ के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, जो हमने जो भाईचारे का जो एक पैगाम दिया सबने मिल के, इनसे एक गुजारिश है राज्य सरकार से कि इस तरीके से जो रोड के ऊपर ईद की नमाज अदा की जाती है, तो मैं इनसे सरकार से निवेदन करूंगा कि एक जगह दी जाए ताकि ईदगाह के लिए, ताकि इस तरीके से रोड के ऊपर नमाज अदा ना हो और व्यवस्थित नमाज पढ़ी जाए। सरकार से ये मेरी गुजारिश है, इस ईद के मौके के ऊपर ईदगाह के लिए अगर जगह दी जाए तो ये व्यवस्था शानदार हो जाएगी और ट्रैफिक की व्यवस्था भी सही रहेगी और हमारा एक पैगाम रहेगा पूरे मीडिया प्रभारी मेरे भाई सबको धन्यवाद। ईद मुबारक, जय हिंद जय भारत। सक्का उदयपुर से आज सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद तहे दिल से, और दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन रहे और हम सब एकता के साथ में इस त्यौहार को बनाए, कभी किसी के बेकाव में नहीं आए, और जो नफरत से देखते हैं उस नफरत को दूर करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को
ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमें ये भी ध्यान रखना है ईद के इस मौके पे एक ये कसम लेके जाएं कि शहर की झीलों को और शहर को स्वच्छ रखना भी हमारा एक कर्तव्य फर्ज है, उसको भी ध्यान में रखें। मैं हाजी मोहम्मद बख्श, मुस्लिम महासंघ संस्थापक अध्यक्ष, मैं सभी शहरवासियों को और देशवासियों को आज ईद के मौके पर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये रमज़ान के बाद जो ईद आती है इसमें तीन टुकड़े किए जाते हैं, हर 10-10 दिन का एक टुकड़ा होता है। पहला इस तरह से कि हम लोग जो है ईद को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं रोज़े रखने के बाद में, और इसके अंदर जैसे गरीबों को भी हम लोग देखते हैं, उसमें ज़कात वगैरह तकसीम करते हैं ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी हमारे साथ खुशी के साथ में ईद मना सकें और ईद में सभी के शरीक हो सकें। बस माह रमज़ान और उसके बाद में ईद का हमें जो तोहफा मिला, एक महीने के रोज़े रखे, अल्लाह ताला ने जो किया तोहफा, उस ईद के मुबारक मौके पर तमाम शहरवासियों और अहले सुन्नत जमात के वासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद दें। और हमें चाहिए कि हमें अमन अमान और बरकरार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी भी गलत चीज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि आज एक छोटी सी बात को लेकर बड़ंगा बना दें। हम चाहते हैं कि उन बातों पर ध्यान दें। ये बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम शहरवासियों, पत्रकार, जिला प्रशासन सभी को। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक हो। शादमानी का समा है मेरे आका गए, शादमानी का समा है मेरे आका गए। शादमानी है, शादमानी है, शादमानी है, शादमानी है, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक हो। शादमानी का समा है मेरे आका।